हेलो एवरीवन, आज है 5 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, काफी चर्चा में है ये बैंकिंग शेयर, क्योंकि एक वक्त था जब अच्छा खासा ट्रेड कर रहा था, ये अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, और उस वक्त काफी ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि ये आने वाला एचडीएफसी बैंक बन सकता है। काफी लोग ऐसा कह रहे थे, और ये बहुत बहुत साल पीछे की भी बात नहीं है, जस्ट अभी अभी की बात है। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 38 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये शेयर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इतना पोटेंशियल है कि ये नेक्स्ट एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक भी बनने का पोटेंशियल रखे। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, और तो और खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं इस लेवल के ऊपर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 38 रुपीज के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लास्ट दिन भी इसमें 2.5% का ग्रोथ देखने को जरूर मिला था। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स में 10% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। 42 रुपीज से गिरता हुआ ये शेयर नीचे आया है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में हालत इसकी उतनी ही खराब है, 10 से 10.5% की गिरावट है। और आप देखिए, 43-44 रुपीज से का हाई है, यहाँ पर 37 रुपीज तक का लो भी है, और ऑलमोस्ट शेयर उसी के करीब में ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में 33 रुपए तक का लो है और 56 रुपीज तक का हाई है। और यहां से आप देखिए, जब 34 के ऊपर ट्रेड कर रहा था ये शेयर 2018 में, तब बढ़िया इसने बाउंस बैक किया। और ये वो वक्त था जब लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये एक नेक्स्ट मल्टी बैगर शेयर बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वापस से भयंकर तरीके से गिरावट आई। लेकिन हाँ, आप देख सकते हैं गिरावट के बाद बाउंस बैक भी थोड़ी बहुत अच्छे खासे लेवल पे इसमें देखने को मिलते हैं हमें। 3 साल की भी अगर हम बात करेंगे तो पिछले 3 साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 51% से ज्यादा की गिरावट है। तकरीबन तकरीबन 80 रुपए तक का हाई है और 33 रुपए तक का लो भी है। और ग्राफ अगेन आप देख सकते हैं कि लो और हाई इसमें हमेशा बनता हुआ देखने को मिल रहा है हमें। 10 साल की बात करेंगे तो पिछले 10 साल में आईडीएफसी बैंक का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप देखिए 81 रुपीज तक का हाई है और 33 रुपए तक का लो है, मतलब 33 रुपए से नीचे ये नहीं गया है। 2015 से इसका शेयर अवेलेबल है, और याद रखिए जब ओपन हुआ था तब 70 रुपए के आसपास ये शेयर अवेलेबल था। उसके बाद गिरावट आई, फिर बाद में बढ़िया बाउंस बैक किया, उसके बाद गिरावट ही चल रही है। बीच बीच में जरूर ये बाउंस बैक कर लेता है, लेकिन उसको मेंटेन नहीं रख पाते। उससे कई ज्यादा रीजंस भी है, उसके बारे में जरूर हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, 2015 से लेकर अब तक 33 रुपए से नीचे नहीं गया है ये शेयर, और अभी ये 38 रुपीज के ऊपर अवेलेबल है। तो सवाल ये भी है कि क्या 33 रुपए का रिकॉर्ड ये तोड़ सकता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए बात करेंगे तो 18,222 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, मिड कैप स्टॉक है ये। एनएससी में देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन देखिए 2 करोड़ 26 लाख से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहे हैं। नतीजे जो मैं कह रहा हूं कि देखिए क्यों ये उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हर क्वार्टर में देखिए भारी लॉस है, यहाँ पर भारी लॉस है। देखिए, इंटरेस्ट अर्निंग भले यहाँ पर अच्छा है, 3,800 करोड़ के आसपास के इंटरेस्ट अर्निंग थे जून 2019 में, लेकिन 617 करोड़ का नेट प्रॉफिट में नुकसान इनको हुआ था। वही अगर हम मार्च 2019 की भी बात करें तो 3,600 करोड़ तक का इंटरेस्ट अर्न था, लेकिन 218 करोड़ का नुकसान है यहाँ पर। तो दिक्कत ये है इनके सबसे ज्यादा कि कंपनी को जो हर क्वार्टर में जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है, नुकसान इनका बहुत ज्यादा है, और ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक मैं इसको जरूर मानूंगा। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर्स के पास 40% की होल्डिंग है, एफआई के पास 13.75% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 2.94% की होल्डिंग है, और एफआईएस और म्यूचुअल फंड दोनों ने अपनी होल्डिंग यहां पर इंक्रीज की है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग कम की है, 0.70% की होल्डिंग है उनके पास। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 36.80% की होल्डिंग देखने को मिली है, अदर डीएस के पास 5.81% की होल्डिंग यहां पर देखने को मिल रही है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। यहां पर 10 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया, 167 एफआईएस भी इसमें इन्वेस्टेड है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है, जिनके पास 40% की होल्डिंग है, वही इनके प्रमोटर है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 20.86% है। और बात रही डिविडेंड की, तो 7% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 75 पैसा
पर शेयर आपको मिल रहा है। फाइनल रिटर्न इन्होंने 7.5% का दिया था, मतलब 75 पैसा पर शेयर आपको मिल रहा है, और वो पिछले साल जुलाई में मिला था, और इस साल अभी तक कोई इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। देखिए ये इनकी वेबसाइट्स है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा एड्स भी देख रहे होंगे IDFC फर्स्ट बैंक के, ये 7% का ये बैंक के लिए सेविंग अकाउंट में 7% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, जो स्टार्टिंग 6% से शुरू होता है। तो काफ़ी ज़्यादा एड्स भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अभी चल रही है, और दिखने में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव लग रही है। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी बैंकों से, चाहे हम कोटक से कंपेयर करें, चाहे हम HDFC से कंपेयर करें, तो कहीं ना कहीं IDFC उसके सामने उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं करता है। यहाँ पर हम अगर बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में, तो 75% बाइंग रेटिंग है, 25% सेलिंग रिकमेंडेशन यहाँ पर मिल रही है, 0% होल्ड रिकमेंडेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। और तो और अगर IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, तो देखिए सबसे पहला इनके ऊपर जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए इनका जो मार्च 2018 का बैलेंस शीट में जो कर्जा था इनके ऊपर, वो 1,05,000 करोड़ से भी ज्यादा का था। वो एक ही साल में बढ़कर 1,40,500 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इनके कर्जे में इजाफा हुआ है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ा है इनका। और दूसरी तरफ अगर हम पिछले 4 क्वार्टर के नेट प्रॉफिट को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो चार क्वार्टर में एक भयंकर तरीके से हमको नुकसान देखने को मिला है। सितंबर 2018 में 370 करोड़ का नुकसान है और इनका नेट प्रॉफिट में, दिसंबर 2018 में तो 1,500 करोड़ तक का इनको इन्होंने लॉस बुक किया था, मार्च 2019 में तो 218 करोड़ का लॉस बुक हुआ था, जून 2019 में 617 करोड़ का लॉस बुक हुआ था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा कर्जा है इनके ऊपर, और ये हर क्वार्टर में इनका लॉस बुक हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देखिए हर क्वार्टर में भयंकर लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्ट अर्निंग भले इनका इंक्रीज हुआ है थोड़ा बहुत, जो पहले 2,300 करोड़ था, फिर 2,335 करोड़ रहा, फिर 2,600 करोड़ रहा, फिर आज सॉरी 3,600 करोड़ रहा, अब 3,800 करोड़ तक पहुंचा। इंटरेस्ट अर्निंग भले इनका बढ़ रहा है, अच्छा सा ग्रो हो रहा है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जो दिक्कत है वो ये है कि नुकसान इनको उतना ही हो रहा है, 617 करोड़, 218 करोड़, तो काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान है, और बैलेंस शीट भी मुझे उतनी स्ट्रांग यहाँ पर इनकी दिखाई नहीं दे रही है। और तो और अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर एक अच्छी चीज है कि प्रमोटर की एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस करें। लेकिन थोड़े और पीछे जाए, 2018 की अगर हम बात करें, 2018 में प्रमोटर के पास 56% से भी ज्यादा की होल्डिंग थी, जो 2019 में 40% की रह चुकी है। मतलब प्रमोटर ने अपनी एक बहुत बड़ी होल्डिंग गिराई है, 16% से ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर ने अपनी गिराई है यहाँ पर, और तो वो वाकई में एक अच्छा साइन, मैं उसको नहीं मानूंगा। तो भले यहाँ पे म्यूचुअल फंड थोड़े बहुत अच्छी खासी क्वांटिटीज में है, भले यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी, देखिए यहाँ पर एक अच्छी चीज, अब एक चीज अगर आप देखना चाहो तो इंश्योरेंस कंपनी धीरे धीरे इससे भाग रही है। पहले 1.35 कर पहले 1.35%, फिर 1.31%, फिर 0.96%, अब सिर्फ 0.70% ही इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग इसमें रह चुकी है। तो जनरली लोग इसमें से निकल रहे हैं, और उतना ज्यादा मैं कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि ये शेयर आने वाले दिनों में ICICI या HDFC या कोटक के लेवल का बैंक बन सकता है। लेकिन हाँ, एक छोटा बैंक और एक अच्छा बैंक बनने का पोटेंशियल जरूर रखता है, अगर इनकी बैलेंस शीट में हमें थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल जाए। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए रिटेल निवेशक इससे दूर ही रहे तो बेहतर है, लेकिन जिस प्राइस पे भी ट्रेड करें वो मुझे काफी प्राइजी लग रहा है, 38 रुपीज मुझे थोड़ा प्राइजी लग रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये शेयर आपको 30 रुपए के आसपास मिले, तो ही आप इसमें थोड़ी बहुत खरीदारी का रिस्क उठा सकते हैं, वरना तब तक आप इसमें खरीदारी ना ही करें तो बेहतर रहेगा। और दूसरा ये कि एटलीस्ट नेक्स्ट क्वार्टर के नतीजे आ जाने दीजिए, क्योंकि देखिए पिछले 4 क्वार्टर्स में इन्होंने भयंकर लॉसेस बुक किए हैं। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी अगर लॉस बुक करते हैं तो भयंकर गिरावट आएगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, अगर अगर मान लीजिए कि ज्यादा नहीं, लेकिन अगर 10 करोड़ का भी अगर इनको नेट प्रॉफिट में फायदा हो जाता है,
तो कहीं ना कहीं मैं उसको भी एक पॉजिटिव साइन जरूर मानूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। तो हाल फिलहाल मैं यही कहूंगा कि हाल फिलहाल इस प्राइस के ऊपर इसमें खरीदारी बिल्कुल भी नहीं बनती है, लेकिन हाँ अगर ये शेयर 30 रुपए के करीब मिलता है तो शायद आप इसमें थोड़ा बहुत रिस्क उठा सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है, आपको इसमें खरीदारी करनी है कि नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।